हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास थर्ड के मैथ्स का चैप्टर 12 पैटर्न, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.1। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया। आपने क्या करना, ऑब्जर्व करना है इस पैटर्न को। कैसे ऑब्जर्व करना है, ड्रा करना है नेक्स्ट फिगर। आपको यहाँ पर 3 फिगर्स दी हुई हैं, इसकी नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी आपने वो ड्रा करके बताना है, वो भी इस बॉक्स में जो आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो फर्स्ट फिगर है, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 बॉक्स हैं, हर एक में 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले आप जो वर्टिकली है 7 बॉक्स जो हैं ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरह से आप पेंसिल से ड्रा करेंगे तो आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, हर एक में 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं। तो 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 3 नीचे मीन्स यहाँ से आएंगे आपके, ये वाला लाइंस को आपने एक्सटेंड करना है, यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस साइड भी 2 थे, इस साइड भी 2 थे, फिर बढ़ गए, इस साइड 3 हो गए, इस साइड 3 हो गए, फिर और बढ़ गए, इस साइड 4 हो गए, इस साइड भी 4 हो गए। अब नेक्स्ट 2 हुए 3, यहाँ पे 2 बढ़े, यहाँ पे 3 बढ़े, यहाँ पे 4 हो गए, अब यहाँ पे क्या आएंगे, 5। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 5 बॉक्स ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बॉक्स आपने ड्रा कर रहे हैं। फिर से एक बार बता दूँ, टोटल यहाँ पे 7 बॉक्स थे। आपने क्या करना है, 7 बॉक्स के लिए एक यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे टोटल आपने 7 बॉक्स जो हैं वो ड्रा करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और 3 जहाँ पे 4 वाला है, 3 ऊपर छोड़ने हैं, 3 नीचे छोड़ने हैं, वहाँ पे इस साइड भी लाइन एक्सटेंड करनी है। इस साइड भी आपने कितने बनाने हैं, 5, 1, 2, 3 हो गए, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और इस साइड भी आपने 5 बॉक्स खुद से ड्रा करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखिए, नेक्स्ट फिगर में पैटर्न आपने ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है। इसमें देखिए आप, यहाँ पे हैं टोटल, यहाँ पे 4, 4, 4, यहाँ पे 1 कम हो गया, यहाँ पे 2 कम हो गए, कम हो रहे हैं, यहाँ पे पूरा था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कम हो गया बॉक्स, यहाँ पे 2 कम हुए, और नेक्स्ट फिगर में कितने कम होंगे, उसमें 3 कम होंगे, मीन्स आप नीचे वाले 8 तो ड्रा करेंगे, ये आपके आ गए नीचे वाले 8, 1, 2 हो गए 8। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे 2 थे ना, अब 1 और कम हो जाएगा, कितने बचेंगे, सिर्फ 1, एक ही बॉक्स बचेगा यहाँ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखिए, 1 था, 1 के बाद कितने हो गए, 4 हो गए, ये 1 बॉक्स है, 3 बढ़ गए, ये 4 हो गए, और ये 9 हो गए। 1 और 4 में कितनी डिफरेंस, 1 में क्या ऐड किया, 3 ऐड किया तो 4 आया, 4 में क्या ऐड किया, 5, तो 9 आया। ये देखिए 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, ऑड नंबर ऐड करने हैं, यहाँ पे 3 ऐड किया था ना, यहाँ पे 5 ऐड किया, 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर है, 7, तो 9 प्लस 7 करने हैं आपने, तो कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 7 कितने हो जाएंगे, 16। तो आपने 16 बॉक्स यहाँ पे ड्रा करने हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, आप एक स्केयर बनाएंगे। ठीक है, ये आ गया आपका 1, 2, 3, ये 4 हो गए ना, इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए, 16 बॉक्स। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, मैंने बताया ना, ये 1 था, ये 3 था, और ये 9 था। 1 में 3 कैसे, 1 में क्या ऐड किया हमने, सॉरी ये 4 था, 3 ऐड किया तो 4 आया, 4 में क्या ऐड किया तो 9 आया, 5, और नंबर ऐड हो रहे हैं, 3 ऐड हुआ, 5 हुआ, 5 के बाद क्या ऐड होगा, 7। ठीक है, ये पैटर्न में कहीं पे ऐड भी हो सकता है, कहीं पे सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जैसे सेकंड पार्ट में पे सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, कम हो रहे थे, अब उसी तरह देखिए यहाँ पे ये टोटल 10 बॉक्स है, यहाँ पे 1 कम हो गया, 9 हो गए, इसको काउंट कीजिए, ये 8 हो गए, 10 हुए, 9 हुए, 8 हुए, अब कितने आने चाहिए, 7। वो कैसे आएंगे आपके, देखिए आप इस तरह से बॉक्स जो हैं ड्रा करेंगे, यहाँ पे देखिए 1, 2, ये हो गए 4, 5, 6, और 1 कम हो जाएगा, 7, जो यहाँ वाला था ना उसको मिसिंग कर दोगे, जो ये वाला है उसको नहीं बनाना आपने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई कीजिए रूल, इस पैटर्न को सिलेक्ट कीजिए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इस पैटर्न का। आपको यहाँ पे है ना पैटर्न दिखाया गया, ये आपका पैटर्न है, इनमें से कौन सा अगला आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये 4 थे, ये 4 थे, ये 4 थे, ठीक है, ये 4, 4 से बना है, ये 3 हैं, ये 3 हैं, ये 3 हैं, काउंट करके देख सकते हो, ये 3, 3 से बना है, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ठीक है,
आप देख सकते हो फिगर ये वाई की ही बन रही है, ये देखिए वाई, ये भी ध्यान रखना है वाई। अब टू के पास वन 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 है, ये टू आ गया वन वन, ये भी वन वन है ये भी वन है, ये तो आएंगे नहीं दो ऑप्शन। अब इन दोनों में से कौन सा होगा ये वाई की फिगर बनाएगा, तो वाई की फिगर यहीं पे बन रही है देख सकते हैं आप, है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट था इसका 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद 41, 41 के बाद 71। अब देखिए 11 में क्या ऐड किया हमने, 11 में ऐड किया हमने 10, तो हमारा आया 21। फिर 21 में क्या ऐड किया 20, तो फिर हमारा आ गया 41। अब 41 में क्या ऐड करें तो 71 आता है 30, वो आ गया हमारा 71। अब 71 में क्या ऐड करेंगे तो अगला नंबर क्या आएगा, अब देखिए 10, फिर ये 20 ऐड किया, फिर 30 ऐड किया, अब क्या ऐड करेंगे हम 40, है ना। 10, 20, 40, 30, 40, और 71 और 40 कितने होते हैं आपके, वो होते हैं 111, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ देखिए 111, ये आ गया आपका बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी, वन था फिर क्या हो गया थ्री, फिर कितने हो गए फाइव, 1, 3, 5, तो अगला कितना होगा सेवन, लेकिन शेप एल की काउंट कीजिए, सेवन कहाँ पे है, ये है आपका सेवन वाला, ठीक है। सेवन ये भी है लेकिन इस साइड और इस साइड इक्वल होनी चाहिए, बीच में आपका काउंट भी है, सेंटर वाला एक होता है, ये देखिए 3 और 3, 6 और एक सेवन, इस तरह यहाँ पे भी था 2 और 2, 4 और बीच वाला एक फाइव, इस तरह से, ये नहीं कि 4 एक साइड पे और 2 एक साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे जो पैटर्न दिया गया है और नेक्स्ट 4 नंबर लिखने हैं, ठीक है। अब पैटर्न देखिए, ये 2 है फिर 1 है फिर 4 है फिर 3 है फिर 6 है फिर 5 है, ध्यान से देखिए पहले 2 का टेबल है, 2 1 को भूल जाइए, दो तीसरे नंबर पे देखिए 4, 2 2 4, फिर फिफ्थ बार नंबर पे देखिए 6, ठीक है ये आया। अब ये आपका 2 का टेबल बन रहा और बीच में है और नंबर 1, 3, 5, उसके बाद 7 आएगा, ठीक है। लेकिन पहले इवन नंबर चल रहे हैं ना, 2 के बाद 4 आया, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, साथ में इवन नंबर आएगा, 5 के बाद क्या आएगा 7। अब फिर से 2 का टेबल 4 तक पड़ा था ना, 2 4 8, 2 5 10, और 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 9, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 4 11। देखिए 1 में 1 ऐड किया तो 2 आया, 2 में 2 ऐड किया तो आपका 4 आया, फिर 4 में हमने कितने ऐड किए 3, तो 7 आया, ये देख रहे हैं 1 ऐड किया फिर 2 ऐड किया फिर 3 ऐड किया, अब 7 में क्या ऐड किया था 4 आएगा, 7 4 11। अब 11 में क्या ऐड करना है हमें, 4 ऐड किया, 4 के बाद क्या आएगा 5, 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16। अब 16 में 5 नहीं ऐड करना, 5 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है 16 में, नेक्स्ट हम 6 ऐड करेंगे, 16 और 6 कितने हो गए 22। अब 6 हो गया ऐड, अब 22 में क्या ऐड करना है 7, 22 प्लस 7 कितना हो जाएगा 29। अब 29 में 8 ऐड करना है, 29 और 8 कितना हो जाएगा 37, हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, 2 4 6 8 10, ये तो 2 का टेबल है, 2 1 2, 2 4 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, 2 11 22, ओके। अब ये पैटर्न देखिए जो अल्फ़ाबेट का है, ठीक है, इसमें क्या करना है, क्यू आर एस टी यू, क्यू के बाद आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी, इसके पहले वाला आ गया, क्यू से पहले पी आता है, अब पी से पहले क्या आता है ओ, ठीक है ये भी नोट कीजिए, क्यू से पहले क्या आता था पी, तो उसने पी से स्टार्ट किया, 5 5 लिखने हैं आपको टोटल, उसके बाद ओ, वो से पहले क्या आता है एन, अब एन से पहले क्या आता है ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये पैटर्न तो ध्यान से देखिए, क्यू था, क्यू से पहले क्या आता है पी, पी से पहले क्या आता था ओ, ओ से पहले एन, एन से पहले क्या आता है एम, तो यहाँ पे जो आएगा आपके बॉक्स में एम के साथ लिखना है, बाकी जो उसके आगे 4 अल्फाबेट और कौन से आते हैं वो लिखने होते हैं आपने, जैसे एम एन पी क्यू आर। अब एम से पहले क्या आता था एल, एल एम एन पी क्यू, ये आपका कहाँ पे आएगा, ये सेकंड वाले बॉक्स का बता रही। अब थर्ड वाला देखिए, एल से पहले क्या आता है के, के एल एम एन ओ, अब के से पहले क्या आता है जे, ये फोर्थ वाले बॉक्स में आएगा जे वाला, जे
KLMN। ठीक है, पैटर्न कैसे देखा आपने, ये क्यू से स्टार्ट था, क्यू से पहले क्या था पी, पी से पहले क्या आता ओ से पहले क्या आता एन, उसी तरह एन से पहले क्या था एम, एम से फिर पहले कौन सा आएगा एल, एल से पहले के से पहले जे। इस तरह से आपने पैटर्न को ऑब्जर्व करना अच्छी तरह से और फिर आपने सॉल्व करना उसे। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द पैटर्न ऑफ ऑड नंबर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पैटर्न देखिए ऑड नंबर का, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, तो ऑड नंबर है सारे, पता है 21 से स्टार्ट हो रहे हैं 33 तक जा रहे हैं, आगे भी होगा सो ऑन लिखा उन्होंने। आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया, हर एक में 2-2 ऐड हो रहा था, अब आपने आंसर देने हैं कुछ क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे इन्होंने ए पार्ट में बोला है, जो आपको पैटर्न दिया था 21 से लेके आपका कहाँ तक था 33 तक। अब आपको पता है ये आप कैसे आता है, आप हर एक में 2, आपका 23 था, 21 प्लस 2 करते हो तो 23 आता है, 23 प्लस 2 करते हो तो 25 आता है, सो ऑन। आप क्या कर रहे थे, ऐड इवन नंबर, आपके ऑड नंबर थे पैटर्न में, ऑड नंबर थे लेकिन ऐड क्या करने पड़ते हैं हमें इवन। उन्होंने बोला एक न्यू पैटर्न बनाइए, ऐड करना है आपने ऑड नंबर टू ईच डिजिट ऑफ द एग्जिस्टिंग पैटर्न। ये जो पैटर्न है ना, हर एक नंबर में आपने ऑड नंबर ऐड करना है, जैसे कि आपका 21 प्लस और नंबर एक ही ऐड कर दीजिए, जैसे जहाँ पर 2-2-2 था आप 1-1-1 कर लीजिए, 21 प्लस 1 कितना हो गया 22, 23 प्लस 1 कितना हो गया 24, 25 प्लस 1 कितना हो गया 26, 25 के बाद क्या आता था 27, 27 प्लस 1 कितना हो गया 28। अब ये आपके इवन नंबर बन रहे हैं, 29 प्लस 1 30 हो गया, फिर ये 32 आएगा और ये आपका 34 आएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये हमने बना दिया। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि जो न्यू पैटर्न बना है फॉर्म ए पैटर्न ऑफ ऑड नंबर टू, क्या उसने ऑड नंबर का पैटर्न बनाया है, सिर्फ यस या नो बनाना है। तो बताइए जो न्यू पैटर्न हमने बनाया ऑड नंबर ऐड करके, क्या वो ऑड नंबर है, नो। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, नो, वो क्या है इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आइडेंटिफाई करना है रूल आपने हर एक पैटर्न का और एक्सटेंड करना उसको ड्रा करके नेक्स्ट फिगर या नंबर जो भी आपको यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ, ये वन बॉक्स था, ये थ्री था, फिर ये सिक्स हो गया, वन प्लस टू किया थ्री आया, थ्री प्लस थ्री किया सिक्स आया, सिक्स प्लस फोर करेंगे तो वो टेन आएगा। अब कैसे आएगा देखिए, ये याद रखिए यहाँ पे टेन वाला बनेगा। अब यहाँ पे देखिए वन ही बॉक्स था, इधर टू थे, इधर कितने हो गए थे थ्री, अब नीचे यहाँ पे कितने बॉक्स हो जाएंगे, थ्री के आगे बढ़ के फोर, 1, 2, 3, 4, उसके थ्री के ऊपर टू थे, फोर के ऊपर कितने आएंगे थ्री कम। ठीक है, बॉक्स को काउंट कीजिए, ये आगे थ्री, जो टू के ऊपर वन थे, थ्री के ऊपर कितने आएंगे टू, ये आगे टू, टू बॉक्स ऊपर एक ही आएगा, काउंट कीजिए वन और टू थ्री, थ्री थ्री कितने हो गए सिक्स, सिक्स और फोर टेन हो गए। ठीक है, अब टेन के आगे कितने बनेंगे, ये सिक्स प्लस फोर टेन था, टेन प्लस फाइव आएगा फिफ्टीन बनेंगे। अब फिफ्टीन कैसे बनाने हैं, फोर कितने बॉक्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे फाइव, वन टू थ्री और फाइव, फाइव के ऊपर कितने बनेंगे फोर, थ्री फोर, फोर के ऊपर कितने बनेंगे थ्री, वन टू थ्री, थ्री के ऊपर कितने बनेंगे टू, और टू के ऊपर लास्ट में एक वन बचेगा, काउंट कर सकते हैं ये फिफ्टीन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने फिगर ड्रा करनी है। नेक्स्ट देखिए, 21, 21 के बाद 32, फिर 23, फिर 34। अब 20 के 32 के साथ तो कोई लेना नहीं है, इसको ध्यान से देखिए, 21, 23, 25 और नंबर चल रहे हैं, फिर 25 के बाद क्या आता है 27, इसको ख़त्म हो गया। दूसरा देखिए 32, 34 इवन नंबर चल रहे हैं, 36, 36 के बाद क्या आएगा 38। अब पैटर्न जो लास्ट है आपका देखिए, ए बी सी डी ई एफ, फिर से ए, ए बी सी डी ई, फिर ए, एफ काट दिया, अब ई कटेगा, ए बी सी डी ई कट गया, अब डी कटेगा, ये बनेगा ए बी सी ए। ठीक है, ए के काट रहे हैं, डी के बाद क्या आता है सी, सी कटेगा, ए बी ए, समझ आया पैटर्न। तो इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज थी 12.1 वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं आपको टाइम टाइम मिलते रहे। आज के इतना ही, थैंक यू।